आते हैं स्टेट उठाए है, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेट रूट होगा और पूरा स्टेट रूट होगा। महिलाओं को एडिकेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी जो आपकी पार्टी की महिलाएं हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बहुत टाइम से थोड़ा बहुत मिला लेकिन अब नहीं। अगर आपकी कोई बहन बता दीजिए, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज ऑलवेज बिलीव्ड दैट वीमेन मस्ट गेट देयर राइट। वी हैव फॉट इन द पार्लियामेंट ऑल्सो for women's empowerment and we'll continue to fight for their empowerment. ye mard hi hain jo unko nahi dete hain chance dena chahiye. ye jo ne bill pass ki hai main bhi dekhta hu wo kab final stage pe aayegi. 50 plus bjp keh rahi hai hum aankda paar karenge. main kehta hu ki wo 100 ke 100 le lenge. wo to ye bhi kehte the na, kya bhool gaye? 470 paar, 470 paar. मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इतना इंतजार कीजिए, हमारा मैनिफेस्टो आपके पास आएगा, उसमें सब चीजें दर्ज। उमर साहब, सेकंड क्वेश्चन इज वेदर सज्जाद लोन एंड अल्ताफ बुखारी विल आल्सो बी जॉइनिंग योर फ्रंट अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी। As far as Sajjad is concerned, as Bukhari is concerned, they're already part of BJP. So what is the problem? As far as Azhab is concerned, he has said he is not going to be there in the fight. So there's no problem left. Sir, you said Azhab is not going to be in the fight. Has he conveyed it to you that he's not going? No, to... I read it in the paper. Camera लगा, phone लगा, LG. So no talk with him. No, during him. डॉक्टर साहब, जो जम्मू में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी है, कई जवानों ने शहादत भी पाई है, क्या लगता है कि भाजपा जो दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है लेकिन जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, क्या लगता है कि इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? जब तक बीजेपी ये नहीं समझे कि भारत के सब लोग यहाँ के आदमी है, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, वो भी जैसा कोई धर्म नहीं है, भारत जो है वो अनेकता में एकता है, उस अनेकता को जब तक हम लोग मजबूत नहीं करेंगे हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते। सर, क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है, क्या आने वाले वक्त में आप पीडीपी और कांग्रेस के साथ दोनों से बात करेंगे, क्या अलायंस देखा जाएगा आने वाले? अगर जनरल ये कहे कि मैंने किस फ्रंट पे लड़ना है, मैं समझता हूँ जनरल ने पहले मैदान छोड़ दिया। जनरल हंडू साहब क्या थे, मुझे बताइए हंडू साहब क्या थे? हंडू साहब थे एंड ही वन फ्रॉम द मुस्लिम एरिया। उसके बाद क्या बात, क्या ऑलवेज वे वर हिंदू एंड सिख। यहाँ पे आप देखिए सिख 28,000 वोट लेके हार गया, उसके बाद भी मैंने उसको हुकूमत में लाया जिनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन दी। अगर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, क्योंकि कई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसी ने तो अपर हाउस था, आपको याद नहीं है मेरे पास 8 सीटें थी, मैंने 6 सीटें जम्मू को दी, सिर्फ 2 सीटें कश्मीर को दी। सर, क्वेश्चन ऑन द प्रोस्पेक्ट।